लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंदसौर के एक युवक ने चीन की बेटी से शादी रचाई। चीन में फैले कोरोना वायरस के चलते वहां शादी का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन युवती के माता पिता और बहनों ने मंदसौर में पहुंचकर भारतीय रीति रिवाजों से युवती की शादी करवाई। मंदसौर के बेटे सत्यार्थ मिश्रा और चीन की बेटी जी हावो वांग ने शादी भारतीय रीति रिवाजों से की। दोनों की मुलाकात 5 साल पहले कनाडा में एक स्टूडेंट सेंटर में हुई, जहां चाइनीज डोरा को अंग्रेजी सिखाते सिखाते दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गया। दोनों ने अपने परिवार के लोगों से बात की और फिर दो देशों के अजनबी लोग रिश्तों के बंधनों में बंध गए। मंदसौर के रहने वाले सत्यार्थ के पिता रंगकर्मी साहित्यकार हैं, जबकि मां सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं दुल्हन जी हावो वांग के पिता चीन के डी जियोंग शहर में बिजनेसमैन हैं। सत्यार्थ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने कनाडा गया था, जबकि डोरा चीन से ब्यूटी एडवाइजरी का कोर्स करने आई थी। शुक्रवार को दोनों की हल्दी की रस्म हुई, जबकि शनिवार को रिंग सेरेमनी और ममेरा की रस्में पूरी हुई। दोनों शुभ मुहूर्त में 7 फेरों की रस्म के साथ 7 फेरों के बंधन में बंध गए। दोनों कनाडा में बसना चाहते हैं। दोनों की शादी भारतीय रीति रिवाजों के साथ मंदसौर के एक रिसोर्ट में संपन्न हुई। चीन में भी शादी का समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते फिलहाल समारोह स्थगित किया गया है। कोरोना वायरस के चलते चीन से डोरा के माता पिता और बहनें सहित 5 लोग मंदसौर पहुंचे और विवाह की रस्मों को पूरा किया। दुल्हन बनी जी हावो वांग का कहना है कि भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसे यहाँ सब कुछ बहुत प्यारा लगा। जबकि बहन सावो रुओ थाउ का कहना है कि भारतीय लोग बेहद प्यारे हैं, यहाँ का रहन सहन उनके दिल को छू गया। वहीं पिता सिबो वांग ने इंडियन की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों की इच्छा पूरी करना ही माता पिता की जिम्मेदारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। से मैं यहाँ से कनाडा पढ़ने गया था इंडिया से, वैसे ही वो चाइना से कनाडा पढ़ने आई थी। तो वहीं हर कनाडा में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर होता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं अलग अलग कंट्री से आए हुए। वहीं पे मुलाकात हुई थी, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, बैक एंड फोर्थ मुलाकातें शुरू हुई और उसके बाद से फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। एंड देन वी डिसाइडेड कि अब पेरेंट्स से बात करनी चाहिए शादी के लिए। हम दोनों की फैमिली कोई ट्रेडिशनल फैमिली नहीं है, जो तो इतनी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, किसी ने मना भी नहीं किया और कुछ ऐसा इशू था ही नहीं, बस बताया पेरेंट्स को एंड पेरेंट्स एग्रीड की। सो वी मेट इन कनाडा, सो व्हेन वी वर डूइंग द कॉलेज इन शेरिडन कॉलेज एंड ही गिव मी अ लॉट ऑफ हेल्प व्हेन आई जस्ट केम टू द स्कूल, सो दैट्स हाउ वी मेट। एंड देन आफ्टर अ व्हाइल वी फॉल इन लव, सो वी ऑलरेडी इन रिलेशनशिप फॉर 5 years. And this time, like me, I bring my whole family here for the wedding. My parents and my aunt and my sister. We really love the everything about India. It's really nice country, nice people, and also nice food as well. So we're really enjoying it. I feel like it's really amazing because China and India. It's really like we are traditional countries, have so many. Like thousand years history, so we have something in common, but also there's something different. निश्चित रूप से समय बदल रहा है, दुनिया सिकुड़ती जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और हमारी फैमिली विशेष तौर पे मैं आपको कहूँगा कि आर्य समाजी विचारधारा होने की वजह से हमारे परिवार में इंटरकास्ट इंटरस्टेट मैरिजेस बहुत हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल शादी ये पहली है। तो हमारी मेरी जो 96 ईयर ओल्ड मम्मी हैं, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया, तो फिर शुभ मुहूर्त से और बहुत शुभ संदेशों के साथ हुआ। जब बेटा 2016 में वापस आया था इंडिया पढ़ने के लिए गया था, और 2013 में, और जब आया और उसके जो मोबाइल था उसे बार बार कॉल आते थे किसी लड़की के, तो मैंने कहा बेटा क्या है, कौन है जो इतना तुझे कॉल कर रही है कनाडा से? तो वो बार बार ये बोलती थी वापस कब आ रहे हो, वापस कब आ रहे हो। उसे टेंशन था शायद, क्या पता इंडियन लड़के हैं वापस आएंगे कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा कौन है? तो फिर बेटे ने पूरी चीज़ बताई कि है मैं जिससे प्यार करता हूँ और इसी से मैं अपने जीवन साथी, और मैं कमिट कर चुका हूँ और मैं इसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर दौर चला वीडियो कॉलिंग का, पेरेंट्स से चर्चाएं हुई और बस ये दौर बढ़ता गया, एक दूसरे पर विश्वास जगता रहा। फिर आप कनाडा भी गए? जी, मैं कनाडा भी गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए, हम डोरा से मिले, काफ़ी समय उसका साथ बिताया और हमें लगा कि बहुत ही खूबसूरत दिल की वो लड़की है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।